साफ सड़क पे उतरा है। आई बिल को वापस करा के ही मानेगा तो मोदी जी, समझ जाइए आप, इस बार आप गलत आदमी से पंगा लेंगे, आपको औकात दिखा देगा किसान। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज का मेरा ब्लॉग, आज हम लोग हैं यहाँ, भारत बंद का अपील है आज, तो हम आए हुए हैं भागलपुर स्टेशन पर। आइए आपको दिखाते हैं, मिलाते हैं लोग से। यह देख सकते हैं आप, यह देखिए हमारे पीछे, भारत के किसान संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भारत के किसान संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम आए थे ब्लॉग में, हमारे मिशन के साथी है, देखिए क्या मैं प्रशांत भाई है, एनएसयूआई के। कैसे हैं प्रशांत भाई? ठीक है। क्या बोलना चाहते हैं किसान बिल पे आप? जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने किसानों के साथ भी व्यवहार कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, केंद्र के सरकार को शर्म आनी चाहिए। जिस किसान ने हमें अन्न उपजा कर खाने के लिए देता है, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही है। आज उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही, कल आपके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाएगी। और हमारे साथ हैं, मास्क खोल दीजिए, CYSS से आसिफ भाई, प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप क्या कहना चाहते हैं किसान बिल पे? किस लिए आए हैं यहाँ पे? बस किसान बिल, जो ये बिल है किसान को आत्महत्या करने पे मजबूर करने वाला है, उसके बिल, उसके विरोध में हम ही नहीं पूरा भारत का वासी एक साथ सड़क पे उतरा है। आई बिल को वापस करा के ही मानेगा तो मोदी जी, समझ जाइए आप, वैसा तो बिल बार बार ले आते हैं ना, ये आदत आपकी किसान ही छोड़ा देगा, इस बार आप गलत आदमी से पंगा लेंगे, इस बार आपको औकात दिखा देगा किसान। ये वही किसान है जिसका आने नहीं खाएंगे ना, आप तो कब्रिस्तान में नजर आओ, समझ जाइए। ये देखिए, ये बैनर लेके आए हैं, इसमें लिखा हुआ है स्टैंड बिट फार्मर, ये TMBU यूनिवर्सिटी है, कामानी यूनिवर्सिटी। और हमारे दोस्त भी हैं जो अभी सहयोग कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं, आदित्य राजी, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। तो किसान बिल है का विरोध में जो ये भारत बंद हो रहा है, और उसका जो है पूरे जोर शोर से जो है भागलपुर से जो है हम लोग जो है समर्थन कर रहे हैं, और भागलपुर की सड़कें जो है बंद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा दिखा है कि पूरा एकदम जो है यहाँ पे जो है एकदम पूरा प्रोटेस्ट टाइप का लग रहा है, और बहुत सारे संगठन मिल करके एक साथ आए हुए हैं। और इस बार जो आंदोलन हो रहा है, या कहीं ना कहीं जो है इस बार किसानों के लिए जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन है, और यही मौका है कि आप किसानों के साथ में खड़ा होइए और किसानों के हित के लिए सोचिए, तभी देश का हित। और आइए, और सारे बहुत सारे लोगों से मिलाते हैं आपको। हमारे साथ इधर यहाँ यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमित आनंद जी हैं। किसान मिल पर क्या कहना चाहते हैं आप, किस लिए आया यहाँ पे? एक्चुअली क्या है ना कि ये सरकार जो नारा हुआ करता था जय जवान जय किसान का, और उसी किसान का बेटा होता है जवान, और ये सरकार बाप बेटे को लड़ा रही है सामने रखकर। ये सरकार हमेशा से वैसा ही काम करती रही है कि कैसे अपने को अपने से लड़ाना है, और इस सरकार के इस नीति को हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और किसान के समर्थन में हम सब यूथ कांग्रेस के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और नरेंद्र मोदी को ये बताना चाहते हैं कि जवान भी एक है और किसान भी एक है। ये एक का नारा देना बंद कीजिए, भारत का हर एक नागरिक एक है, आप उनको विभाजित करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। साहिद भाई, सरकार की गलत नीतियों का कारण आज जो किसान छात्र और जितने भी पब्लिक आज रोड पर नजर आ रही है, सरकार की गलत नीति के कारण ही आज ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ दिलजीत भाई भी हैं, सब दिलजीत भाई आप भी कुछ बताइए। मैं वापस लिया जाए और मैं देश को उसी तरक्की में ले जाएगा जो आज से 6 साल पहले तरक्की में जा रहा था, उसी टाइप का। चलिए मिलाए आपको बहुत सारे लोगों से, आगे दिखाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे संगठन के लोग जमा हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारे तौकीर भाई हैं, सब तौकीर भाई कैसा चल रहा है, रुकने वाले हैं इस बार क्या? इस बार रुकने वाले हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल रुक जाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल रुक जाना है, ऐसी बात मतलब समर्थन में रुकना है, समर्थन में रुकना है जी। इधर थोड़ी हो सब एक बार मान। ये हमारे सरफराज भाई हैं, जिससे इनसे भी कुछ सुन लीजिए, अब किस लिए आए आज यहाँ पे? हम लोग तीसरी कृषि कानून जो काला कानून है, गवर्नमेंट जो इसको ज़बरदस्ती थोपा गया किसान पे, इसी पक्ष में हम लोग पूरी यूनिटी बन के आए हैं। इसमें बहुत सारे पार्टी के लोग आए हैं जी, और हम लोग स्टूडेंट यूनियन है, और इस कानून को हम लोग चाहते हैं हर हाल में ये वापस हो, चाहे जैसे ही वापस करें चाहे वापस नहीं करेगी, हम लोग खड़े रहेंगे इस कानून।
और इसके लिए हमेशा लड़ेंगे और किसानों का हमेशा साथ देंगे। चलिए हमारे एआईएसएफ के मित्र हैं यहाँ पे, उनसे भी पूछ लेते हैं कुछ। आइए, इसलिए आए आज यहाँ पे, किसान के हक के लिए आए हैं और जो हाथ खिला रहा आपको, आप उसी को काटने में रहिएगा तो कैसे चलेगा? उधर कहिए सरकार तक जाएगी। जो हाथ आपको खिला रहा है उसको काटने में चलेगा तो कैसे चलेगा? मतलब कि किसान हमेशा 24 घंटा आपके पेट के बारे में सोच रहा है और आप उसी हाथ को काट रहे तो गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा आ रहा है आपको? बिल्कुल आएगा। इस बार रुकना है क्या? नहीं नहीं रुकना, इस बार दिल्ली तक पहुँचेगी हम लोग के वहाँ। ये जो सरकार है ये हम लोगों के बिल्कुल विरुद्ध कार्य कर रही है। पूरे भारत में हर एक प्रकार का कानून, जो कि भारतवर्ष के जो लोग हैं, युवा हैं और जो किसान हैं, इनके ये विरुद्ध कार्रवाई करती है, हमेशा गलत बिल लाती है। पहले टीए लाया, फिर 3 लाख लाया जो है, तो 370 लाया, ऐसे बहुत से कानून है जो के लोगों के विरुद्ध लाती है ये सरकार, और अब जाकर के किसान के विरुद्ध लाई है, जिससे हम किसानों को परेशानी हुई है और हमारी परेशानियों का मसला हल होगा। ये बिल को अब सरकार को वापस लेना होगा, अन्यथा नहीं तो ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जमाते दम तक हम जारी रखेंगे और सरकार को जो है इसका जवाब देना पड़ेगा। हमारे साथ अभी सीपीआई के जिला मंत्री सुधीर जी है, आइए इनसे बात करते हैं। अभी किस लिए आए यहाँ पे आप? हम आए हैं किसानों के आंदोलन के समर्थन में। केंद्र सरकार किसानों का जो वाजिब मांग है, किसानों के लिए जो काला कानून लागू किया उसको वापस कराने के लिए आज पूरे भारत बंद है। उस भारत बंद के समर्थन में हम लोग यहाँ आए। Hi. Hi.